हेलो बच्चों वेलकम टू ई लर्निंग मैं हूँ कामिनी वर्मा और आज मैं आपको इंग्लिश का लेसन नंबर एट सी सॉन्ग पढ़ाऊँगी तो बच्चों इट इज़ अ नाइस पोएम अबाउट द साउंड दैट वी कैन हर्ड इन द थिंग्स दैट वे आर लाइंग अराउंड द सी ओके तो फर्स्ट वी विल रीड द पोएम सी सॉन्ग I found a shell, a curly one, lying on the sand. I picked it up and took it home, cold inside my hand. Mummy looked at it and then she held it to my ears. And from the shell there came a song, soft and sweet and clear. I was surprised. I listened hard. But it was really true. I wish you would find a nice big shell and hear it singing too. तो बच्चों ये जो पोएम है इस पोएम में एक बॉय है जिसको एक शेल मिलता है एक शंख मिलता है समुद्र के किनारे पड़ा हुआ सैंड पे वो उस शेल को उठा के अपनी मम्मी के पास लेके आता है तो उसकी मम्मी उस शेल को उसके कान के पास रख के बोलती है कि इसमें कुछ आवाज आ रही है सुनो तो जब वो उसे उसमें आवाज सुनता है तो उसको गाना सुनाई देता है एक अच्छा मीठा गाना ठीक है तो वो बोलता है कि मैं विश करता हूँ कि आप लोग को भी कभी एक ऐसा शेल मिले जिसमें आप सॉन्ग सुन सको ओके तो आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन आई फाउंड अ शेल अ करली वन लाइंग ऑन द सैंड एक बच्चा है वो बोलता है कि मुझे एक शेल मिला है एक गोल गोल शेल आ, सैंड पे पड़ा हुआ आई पिक दुक इट होम कोल्ड इन साइड माई हैंड मैंने उस शेल को उठाया और उसे उठा के मैं अपने घर लेके आया अपने हाथों में पकड़ के मम्मी लुक डेट इट एंड देन शी हेल्ड इट टू माई ईयर्स जब मैंने वो शेल को अपनी मम्मी को दिखाया तो उन्होंने उस शेल को देखा और उसे मेरे कानों के पास पकड़ा मतलब मेरे कानों के पास लगाया एंड फ्रॉम द शेल देयर कम सॉन्ग सॉफ्ट एंड स्वीट एंड क्लियर और जब मैं जब मेरी मम्मा ने वो शेल को मेरे कान के पास लगाया तो उसमें से मैंने एक सॉन्ग की आवाज सुनी मैंने एक गाना सुना बहुत ही सॉफ्ट स्वीट और क्लियर सॉन्ग की आवाज आ रही थी उसमें से I was surprised. I listened hard, but it was really true. मैं वो आवाज़ सुन के बहुत सरप्राइज हो गया तो मुझे उसको विश्वास नहीं हुआ कि शेल में से कैसे गाने की आवाज़ आ सकती है तो उसने ध्यान लगा के सुना आई लिस्न हार्ड मैंने ध्यान से सुना कि क्या ये आवाज़ इस शेल में से ही आ रही है पर वो सही था वो आवाज़ उस शेल में से ही आ रही थी आई विश यू यू वुड फाइंड नाइस बिग शेल मैं आशा करता हूँ कि आपको भी ऐसा ही एक बड़ा सा शेल मिले एक बड़ा सा शंख मिले एंड हियर इट सिंगिंग टू और आप भी उसके अंदर जो गाने की आवाज़ आती है उसे आप भी सुन सको ओके okay? तो दिस इज द पोएम हियर आर सम हार्ड वर्ड्स दैट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू शेल शेल का मतलब होता है ऊपर की कवरिंग आउटर कवरिंग है ना हार्ड शेल हेल्ड हेल्ड सर अचंबित हो जाना करली करली यानी घुमावदारैसे क्लियर क्लियर यानी साफ एकदम साफ डेट इज कॉल्ड क्लियर सो शेल शेल मीन्स हार्ड प्रोटेक्टिव ले प्रोटेक्ट किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है उसे कहा जाता है शेल ठीक है हेल्ड हेल्ड का मतलब होता है टू कीप और कैरी किसी चीज को अच्छे से पकड़ना संभालना दैट इज कॉल्ड हेल्ड सरप्राइज समथिंग दैट कॉजेज वंडर और अमेजमेंट जिस चीज से हमें अचम जिस चीज से हम अचंभित हो जाएं है ना उसे कहते हैं सरप्राइज्ड करली अरेंज्ड इन कर्ल्स कर्ल्स में अरेंज होना है यानी कि घुमावदार जो चीज होती है जिसमें राउंड शेप होता है जिसका दैट इज कॉल्ड कर्ली क्लियर इजी टू अंडरस्टैंड क्लियर का मतलब होता है जो हम आसानी से समझ सकें उसको एकदम साफ आवाज आ रही थी तो साफ आवाज को हम ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं तो क्लियर मीन्स इजी टू अंडरस्टैंड ओके नाव हैव क्वेश्चन आंसर्स वेयर डिड द चाइल्ड फाइंड द सी शेल बच्चे को सी शेल कहां पे मिला था तो द चाइल्ड फाउंड द सी शेल लाइंग ऑन द सैंड बच्चे को सी शेल सैंड पे पड़ा हुआ मिला था सैंड मीन्स रेत ठीक है समुद्र के किनारे रेत होती है उस रेत पे पड़ा हुआ उसको सी शेल मिला था ओके सो वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर टू वट डिड द चाइल्ड डू विद द शेल बच्चे ने शेल के साथ में क्या किया उस बच्चे को जब शेल मिला तो उसने उस शेल के साथ क्या किया द चाइल्ड पिक दुक इट टू हिस्स होम इन बच्चे ने उस शेल को उठाया वहां से और उसे अपने हाथ में पकड़ के अपने घर ले आया वी वेलकम टू क्वेश्चन नंबर थ्री वट डिड द चाइल्ड हियर बच्चे ने क्या सुना

इन वर्ड्स को आपको पहले रीड करना है और जो वर्ड्स राइमिंग वर्ड्स हैं उनको एक साथ में लिखना है राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं जिन वर्ड्स का आखिरी का साउंड एक जैसा आता है दैट इज कॉल्ड राइमिंग वर्ड्स। ओके देखो फर्स्ट वन फाउंड तो उसका राइमिंग वर्ड है साउंड फाउंड साउंड ठीक है दोनों का आखिरी का वर्ड आखिरी का साउंड सेम आ रहा है फिर सेकेंड वन इज कोल्ड कोल्ड का राइमिंग वर्ड है बोल्ड टुक लुक Hand, hand, okay? तो दोकी तो बुक के अंदर ब्लैंक्स में फिल करने ओके okay? तो रीड इट आउट फर्स्ट देन फिल द ब्लैंक्स नाउ क्वेश्चन नंबर टू फिल इन द ब्लैंक विद द ऑपोजिट वर्ड चूजिंग फ्रॉम द बॉक्स बिलो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं और उनके ऑपोजिट वर्ड्स आपको बॉक्स में लिख के दिए हुए हैं तो आपको पहले ये वर्ड्स रीड करने और नीचे जितने भी वर्ड्स दिए हैं उनके ऑपोजिट वर्ड उनके सामने आपको लिखना है ओके okay? तो फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन देन यू हैव टू रीड द वर्ड सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है कि राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं या ऑपोजिट वर्ड्स लिखने है फिर आपको वर्ड्स रीड करने और फिर आंसर लिखना है ओके okay? उंट फाउंट का ऑपोजिट वर्ड होता है लॉस्ट हार्ड हार्ड का ऑपोजिट सॉफ्ट इन साइड इन साइड का ऑपोजिट आउट साइड ट्रू ट्रू का ऑपोजिट फॉल्स स्वीट स्वीट का ऑपोजिट बिटर पिक पिक का ऑपोजिट ड्रॉप ओके नाउ नेक्स्ट साइड टूक टुक का ऑपोजिट गेव बिग बिग का ऑपोजिट स्मॉल केम केम का ऑपोजिट वेंट कोल्ड कोल्ड का ऑपोजिट हॉट कर्ली कर्ली का ऑपोजिट स्ट्रेट टॉल एंड टॉल का ऑपोजिट शॉर्ट ठीक है तो ऐसे आपको सारे वर्ड्स पहले रीड करने और फिर उनके ऑपोजिट वर्ड्स फाइंड आउट करके आपको ब्लैंक्स में फिल करने ओके सो यू कैन फिल द ब्लैंक्स लाइक दिस इन योर बुक नाउ वी विल कम टू नेक्स्ट एक्सरसाइज लेट्स राइट यहाँ पे आपको एक पोएम दी है और इस पोएम को रीड करके नीचे जो आपको ब्लैंक्स दिए हैं उनको फिल करना है सो फर्स्ट वी विल रीड द द सी इज बिग द सी इज बिग इट इज वेरी वेरी बिग समुद्र बहुत बड़ा है बहुत बहुत बड़ा है यू कैनोट सी द अदर साइड ऑफ द सी आप समुद्र के दूसरी तरफ नहीं देख सकते यू कैन क्रॉस द सी इन अ शिप आप क्रॉस कर सकते हो सी को शिप में बट यू मस्ट गो फॉर मेनी मेनी डेज लेकिन आपको उसमें कई कई दिन के लिए जाना पड़ेगा शिप में तभी आप उसको क्रॉस कर सकते हो नाउ वी है फिल इन द ब्लैंक्स फर्स्ट वन दी इज वेरी वेरी डैश सी कैसा है बिग या फार तो एंसर इज बिग द सी इज वेरी वेरी बिग सेकेंड यू कैनॉट डैश अदर साइड आप दूसरी साइड को क्या नहीं कर सकते द ऑप्शन सी तो यू यू कैन नॉट सी सी अदर साइड डैश क्रॉस आप सी को क्या क्रॉस कर सकते हो या नहीं क्रॉस कर सकते हो तो यू कैन क्रॉस द सी आप सी को क्रॉस कर सकते हो यू कैन क्रॉस इट इन डैश बस और शिप आप सी को किस में बैठ के क्रॉस कर सकते हो बस में या फिर शिप में तो द आंसर इज शिप ओके तो आपको इस तरीके से पहले uh, पोएम को रीड करना है और फिर ये जो चूज द राइट वर्ड दिया हुआ है जो सेंटेंस आपको दिए हैं उनको आपको रीड करना है फिर सही ऑप्शन को चूज करना है ठीक है यू हैव टू इट एंड फिल द ब्लैंक्स नाउ हियर इज वन मोर पोएम रीड द फॉलोइंग साइलेंस यहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग चीजें दिए और उनके कैसे साउंड होते हैं वो बताएं है। देखो बर्ड्स बर्ड सिंग फोन रिंग पीपल टॉक डॉग बाउ मूस कॉक क्रो बीस बश एंड चिल्ड्रन हश ठीक है तो कौन कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है वो हमें बताया है अब यहाँ पे एक्सरसाइज है मैच द फ्रेज विद द पिक्चर यहाँ पे आपको कुछ फ्रेज दिए हैं जिसमें आपको एनिमल बर्ड या थिंग उसके साउंड के साथ बताया है और उसको आपको पिक्चर से मैच करना है देखो फर्स्ट सेंटेंस हम रीड करते हैं अ बर्ड सिंगिंग गाना गाती हुई बर्ड तो गाना गाती हुई बर्ड का पिक्चर आपको दिख रहा है तो आपको उससे मैच करना है सेकंड अ कांग एक गाय की पिक्चर आपको दिख रही है जो गाय आवाज कर रही है तो आपको काउ से मैच करना है थर्ड अ फोन रिंगिंग फोन रिंग करता हुआ दिख रहा है आपको तो आपको फोन से मैच करना है थर्ड अ डॉग बाकिंग bark करता हुआ दिख रहा है तो फोर्थ वन डॉग से मैच करेंगे एंड लास्ट वन कॉक क्रोइंग कॉक दिख रहा है आपको क्रो करते हुए तो फिफ्थ वन आप क्रो से मैच करेंगे ठीक है तो इस तरीके से आपको पहले सेंटेंस रीड करना है और फिर उसमें किस एनिमल किस बर्ड का नाम दिया है उससे उसको मैच करना है ओके सो डू दिस एक्सरसाइज वेल इन योर बुक थैंक यू वेरी मच प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो